कराची में दिन के आगाज पर मौसम कदरे बेहतर था, लेकिन मशरिक से मगरिब की जानिब सूरज जैसे जैसे पेशरफ्त कर रहा था पारा चढ़ रहा था। गर्मी से बचाव के लिए लोगों ने सत्तू और गन्ने के रस से तवानाई को बहाल किया। जिस्म में तवानाई आ जाती है और कहने से ना थकन जरा दूर हो जाती है, गर्मी में गर्मी दूर करता है। 12 और 1 के दरमियान सूरज की तपिश 39 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गई। ये वक्त खाने का होता है, लेकिन गर्मी में भूख भी कम लगती है। ऐसे में वाटर पंप का तरबूज का शरबत प्यास भी बुझाता है और कम कम लगी भूख के एहसास को भी खत्म करता है। सब चीज़ चलाता है, उसमें अल्लाह पाक बरकत भी डालता है। सब चीज़ देता हूँ, आप कस्टमर से भी पूछ सकता है। खून को पतला करता है, गर्मियों में इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए और हम कर रहे हैं। एक गिलास पीते आराम से सुकून से जाके आराम से ठंडक में बैठ जाएंगे, इसे ठंडक पड़ गई अंदर। इन इंतजामात के अलावा शहर में जगह जगह अपनी मदद आप के तहत कैंप लगाए गए, जहाँ पीने को ठंडा पानी और गीले रुमाल फराहम किए गए। एक इलाके के नौजवानों ने तो शरबत बनाकर सड़क पर पिलाना शुरू कर दिया। आवाम यहाँ की जेल की भी है और सामने से ट्रैफिक बहुत है, तो यहाँ जो है ना हम लोग ये कह रहे हैं कि पानी का थोड़ा सवाब कमाएं। इस दौरान सड़क पर ट्रैफिक की रवानी में थोड़ी देर के लिए खलल रहा, जो शहरियों को बिल्कुल भी नागवार महसूस नहीं हुआ। तो शहर में लोग जगह जगह लोगों को पानी पिला रहे हैं, शरबत पिला रहे हैं, ताकि लोग गर्मी से महफूज रह सके। कैमरामैन शकील खान के साथ रियाज एंडी, दुनिया न्यूज़, कराची।